एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन चैप्टर टू एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर टू में पॉलिनोमियल के बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉली नो मी नल, पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म। मैनी टर्म, वो किसकी टर्म होगी? जैसे ए एक्स प्लस सी लिया आपने, ए एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स प्लस सी, इस तरीके से जो नंबर लिखा जाता है, जैसे टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, इट इज़ ए पॉलिनोमिनल। इस तरीके से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिनोटेड होते हैं उसे पॉलिनोमिनल कहा जाता है। पॉलिनोमिनल के कुछ टाइप होते हैं, जैसे नंबर वन हम ले लेते हैं लीनियर, L I N E A R, लीनियर पॉलिनोमिनल, P O L Y N O M I N A L, पॉलिनोमिनल। पॉलिनोमिनल लीनियर पॉलिनोमिनल में हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो वन होगी। ये डिनोटेड होते हैं ए एक्स प्लस में सी से। यहाँ पे ए क्या होता है? एक्स के साथ जो नंबर होता है और लास्ट वाला नंबर कांस्टेंट होता है, कोई न्यूमेरिकल। यहाँ पे इसके जीरोज जो निकलते हैं, नंबर ऑफ जीरोज वो निकलते हैं वन। जीरोज डिपेंड होते हैं पावर के ऊपर। यदि पावर वन है तो वन जीरोज निकलेगा, यदि पावर टू है तो टू जीरोज निकलेगा। इसका ग्राफ जो बनेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीका से डोंट होगी है। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यों? यू ए डी आर ए टी आई सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमिनल। क्वाड का मतलब होता है टू। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर टू होती है, ये डिनोटेड होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस में वी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास? टू। तो नंबर ऑफ जीरोज इसके फाइंड आउट होंगे ओनली टू। और इसका ग्राफ जो डिनोटेड होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ओनली टू बार टच होगा। इस तरीका से बना सकते हो, किसी भी तरीका से आप बना सकते हो ग्राफ जो बनेगा, इस तरीका से बन सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस पर ओनली टू टाइम ये मिलेगा। नंबर थ्री आ जाता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमिनल, पॉलिनोमिनल। ये इसकी क्वेश्चन जो होती है ए एक्स की पावर थ्री प्लस वी एक्स की पावर टू प्लस सी एक्स प्लस डी। हाईएस्ट पावर जो है इसकी थ्री है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज जो फाइंड आउट करोगे आप वो निकलेंगे इसके थ्री। इसका ग्राफ जो बनेगा एक्स एक्सिस पर वो कितनी बार टच होगा? थ्री टाइम, वन टू थ्री। डिपेंड होता है ये पावर पे, यदि पावर जितनी है उतनी बार ये पॉइंट पे टच होगा। इस तरीका से आप पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी आपको मिल चुकी है, इस तरीका से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।